सकते कि वहां से रिजल्ट क्या आने वाला है। जी सही आपकी बात उम्मीद है के हिसाब से रिजल्ट आ पा रहे हैं? सर। उम्मीद के हिसाब से तो अभी तो मैंने काम शुरू ही किया है इस महीने सर, ढंग से। जी, तो जो है इस रजिस्टर है सर, ये हमारा जो है रजिस्टर है सर, DAR डेली रजिस्टर जो है मेंटेन करते हैं सर इसको। वेरी गुड, तो इसमें जो है बढ़िया, सर 75 लोगों के लिस्ट में नाम है सर इसके अंदर, ठीक है, बढ़िया। और उनको जो है 75 लोगों से जो है मतलब अब आज तो ज्यादा बात हो नहीं पाई, किसी से एक दो लोगों से बात हो पाई, और एक दो लोगों से अभी हो सकता है कि बात हो जाए तो हो सकता है काम भी निकल जाए। मतलब जी, अच्छी बात है, बढ़िया। हाँ आज का टाइम दिया था, उनसे बात कर लेता हूँ, हाँ उनसे बात करके अगर बात बन जाती है तो मीटिंग हो जाएगी, तो फिर जो है दो तीन पॉलिसी निकल आएंगी आज, ठीक है, अच्छी बात है, बात है ना सर। करने से ही बात बनती है। और बाकी जो है सर्वे फॉर्म वाला रजिस्टर है हमने बना रखा है, उसको लेकर जी के लोगों से बात करने का एक बहाना मिल जाएगा, सर्वे करेंगे तो लोगों से हाँ बहाना मिल जाएगा, हाँ हाँ तो बात करने का बहाना मिलेगा, तो हो सकता है कुछ उसके बहाने कुछ नया निकल जाए। हाँ तो बाकी देखते हैं सर क्या होता है बाकी। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है, बढ़िया है, अपनी तरफ से कोशिशें करते रहेंगे तो उन कोशिशों का कुछ ना कुछ रिजल्ट आता रहेगा, बिल्कुल सर, बढ़िया, अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलिए। आखिरी के ये वाले जो दिन चल रहे हैं, ये वाले दिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिन है। आखिरी के दिन ऑलरेडी 24 तारीख हो गई है, आखिरी के 7 दिन है, और इसके अलावा हमारा क्लोजिंग में शायद हमको 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। हमें 1 अप्रैल में भी शायद हम 31 मार्च की BOC कटा पाएंगे, या तो 2 अप्रैल के अंदर भी हम 31 मार्च की डेट की BOC कटा पाएंगे। चेक के ऊपर 31 मार्च की डेट होनी चाहिए, और क्लोजिंग पेपर्स वगैरह कंप्लीट करने के लिए 2-4-5 दिन हमको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। मेरे को लग रहा है 5-6 तारीख तक हमें क्लोजिंग मार्च की डेट में हम पेपर कंप्लीट करा पाएंगे। डिपॉजिट की डेट मेरे को लगता है कि 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा रहेगा, और पेपर कंप्लीशन का डेट वो डिपॉजिट की डेट बंद होने के 2-3 दिन 4 दिन तक उसके बाद रहेगा। तो हम जल्दी से जल्दी अपना जो पेपर्स हैं वो कंप्लीट कराएं, जो भी उनका मेडिकल कराना है, जो भी प्रोसेसिंग कराना है, जो भी क्लाइंट से पेपर लेने हैं, जो भी क्लाइंट को फॉलोअप करना है, जो भी काम है हम जल्दी जल्दी करें। जी सर। सर एक चीज पूछना था, ये सर जो आप जो बता रहे थे सर कल ब्रांच के अंदर, कि पैसा कहीं से हो सकता है सर, पैसा, आप जैसे हमने पॉलिसी दिल्ली में कराई और ट्रांसफर नहीं कराया, तो हाँ मैच्योरिटी मिल जाएगी आप आउट ऑफ दे, जहां से भी कहीं से भी मैंने किसी भी आपको ब्रांच भेजा है में। ना सर्कुलर, मैंने आपको सर्कुलर भेजा है कि आप अपना मेच्योरिटी किसी भी ब्रांच से ले सकते हैं, ना केवल सर कब मेच्योरिटी ले लागू सकते हुआ, हैं। जी कब से लागू हुआ है सर? मेरे दोस्त, इसको ऑलरेडी लागू हुए 8-10 दिन हो गए हैं। आप जूम मीटिंग में आते नहीं हो इसलिए आपको पता नहीं लगता है। इसके ऊपर कम से कम हम 4 अलग अलग मीटिंग्स के अंदर डिस्कशन भी कर चुके हैं। मैंने जी सर, सर्कुलर आपको भेजा है, आप एक बार व्हाट्सएप का अपना ग्रुप खोल के देखो, टेलीग्राम का ग्रुप खोल के देखो, ऑलरेडी वहां पर सर्कुलर भेजा हुआ है, ऑलरेडी आप खोल के देखो। हमने तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन भी किया हुआ है, हमारा सुबह का जो जूम मीटिंग हुआ होता है उसके अंदर हम इसके अंदर डिटेल में बातचीत भी कर चुके हैं कि भाई जब मेच्योरिटी आप किसी भी ब्रांच से ले सकते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप री इन्वेस्टमेंट भी किसी भी ब्रांच से करा सकते हो। तो आप री इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी किसी भी ब्रांच की पॉलिसी है, ऑल इंडिया की किसी भी ब्रांच की आपकी पॉलिसी है, आप क्लाइंट को री इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार करो, और री इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार करके क्लाइंट को ये बोलो कि सर इसी में से नया पॉलिसी जो करके, और पेपर यहां पर आप 126 में जमा कराओ। जब 126 में आपने वो बोले पेपर जमा कराए तो उन्हीं जी जी शुरू हो जाओ, ठीक है। और और सर एक चीज जानकारी और चाहिए थी, जी जैसे बताइए, कोई जी लोन लेता है कस्टमर, बताइए, तो उसमें जैसे ब्याज 6 महीने का लगता है, जैसे 6 महीने के अंदर वो पेमेंट कर देता है, तो ब्याज 6 महीने का लगेगा या पूरे साल का लगेगा उसको? 6-6 महीने का लगता रहेगा। आपने आज लोन लिया है, 6-6 महीने का ब्याज आपका लगता रहेगा, जो मतलब आपका 6 महीने पॉलिसी में का पेमेंट पीरियड ऑफ करना, मैनेजमेंट है। हाँ जी पहले बोलिए, पूरी पेमेंट करती है। बताइए। ने लोन ले लिया सर, LIC से लोन ले लिया, 6 महीने महीने के अंदर सर पूरी पेमेंट कर दी उसने, तो हाँ जी, हाँ ब्याज उसको पूरे साल का लगेगा या सिर्फ 6 महीने का लगेगा? जी, 6 महीने का ब्याज हमेशा 6-6 महीने का लगता है, ब्याज पूरे साल का नहीं लगता है, 6-6 महीने के अंदर ब्याज लगता है, अगली पॉलिसी एनिवर्सरी तक। जब भी आप लोन लेते हैं अगली पॉलिसी एनिवर्सरी तक का आपका इंटरेस्ट लगता है, ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट उसको बोलते हैं। आपको वो वाला लोन का इंटरेस्ट एडवांस में जमा कराना होता है, आप लोन लेकर लोन चुका सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आपका पॉलिसी एनिवर्सरी के साथ आप उसका डेट चेक कर लीजिए, उसके हिसाब से वो कोइंसाइड करना चाहिए। और कुछ? नहीं सर, बाकी तो और कुछ नहीं सर। ठीक है, नमस्कार। बाकी साथी इधर आए हुए हैं, सभी का स्वागत है। अनिल अग्रवाल जी को नमस्कार।
हरी राम जी को नमस्कार, नरेंद्र सिंह जी गुड मॉर्निंग, दीपक सिन्हा जी गुड मॉर्निंग, और रविराज किशोर जी तो शुरू से जुड़े हुए हैं, तो रविराज किशोर जी का स्वागत है। बाकी सभी साथी कुछ ना कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे अपने काम के बारे में, अपनी जिंदगी कैसी चल रही है, परिवार में सब लोग कैसे हैं, कोई भी बात बोलना चाहेंगे कहना चाहेंगे। क्लब मेंबरशिप के आखिरी दिन अभी चल रहे हैं, अगले 7 दिनों के अंदर 24 और 7 31, तो 7 दिन हमारे पास अवेलेबल हैं। क्लब मेंबरशिप के हिसाब से हमारे पास फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के अंदर सेक्शन 80C सेक्शन 80D के हिसाब से बहुत सारे लोग हैं वो कराते हैं, पॉलिसियां कराते हैं। सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स रिबेट मिलता है, सेक्शन 80D में कल भी हमने देखा, हमने गूगल में भी सर्च किया था, 50,000 रुपए तक का टैक्स रिबेट हमको मिलता है। तो ये बात लोगों के पास जाकर उनको जो बताते हैं उनका सेल होता है, जो नहीं जाके बताते हैं उनका सेल नहीं होता है। पूरे साल का बोनस लग जाता है इन 7 दिनों के अंदर, जो भी पॉलिसियां करी जाती हैं उसका फायदा क्या रहता है, कस्टमर को पूरे साल के बोनस का फायदा हो जाता है। ये बातें जाके लगातार कस्टमर को बताना जरूरी है, तभी सेल हो सकता है, उसके बिना सेल नहीं हो सकता है। तो ये लगातार हमें ये सब बातें कस्टमर को बता पाएंगे तो हमें फायदा हो पाएगा। क्लब मेंबरशिप, ये क्लब मेंबरशिप मैंने यूट्यूब में से सर्च किया है, यूट्यूब के अंदर से आप देख सकते हैं, आपके फोन के अंदर भी, आपके टैब के अंदर भी, आपके हरिराम जी आपका माइक ऑन है, आप क्या बोलना चाहते हैं बताइए, बोलिए। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, बताइए सर, जैसे मैंने किसी को 936 प्लान दिया दिया उसकी 3,33,000 मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी है ठीक है जी, तो अगर जैसे हम इस महीने देते हैं हाँ, तो उसको इस साल का बोनस अलग मिलेगा क्या, 3,33,000 से प्लस होगा, 3,33,000 आपने मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आपने 936 दिया ठीक है, अच्छी बात है, 936 के बाद क्या है, उसकी 3,33,000 मैच्योरिटी है, 3,33,000 मैच्योरिटी है ठीक है, फिर आप कह रहे हैं इस साल का बोनस पूरा मिलेगा तो क्या जुड़े अलग से जुड़ जाएगा, अरे ईयर के अंदर बोनस जुड़ जाएगा, इसके अंदर बोनस जुड़ जाएगा। आप ये जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन यहाँ पर बनाइए, यहाँ पर आप प्रीमियम डालिए, प्रीमियम के अंदर मंथली हाफ ईयरली क्वार्टरली जो भी प्रीमियम आप रखना चाहते हैं, 100 रुपए पर डे भी यदि आप रखते हैं तो यहाँ पर आपका इसके अंदर 3,000 रुपए महीने होता है। यहाँ पर आप कोई ना कोई टर्म ले लीजिए, कोई भी टर्म ले लीजिए, उसके हिसाब से यहाँ पर इसका मेच्योरिटी आ जाता है। नहीं सर मैंने 44 टर्म हरिराम जी, हरिराम जी का मैं जवाब दे दूं सर, दे दीजिए बोलिए। इस साल कराने का फायदा ये है कि अभी बोनस जुड़ जाएगा, मैच्योरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यही तो कहना चाहता हूँ, तो 3,00,000 मैच्योरिटी सेम रहेगा, लेकिन फर्क ये पड़ेगा कि जो अगले साल जुड़ना है बोनस वो इसी साल जुड़ जाएगा, इस समय कराने का फायदा ये है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, कस्टमर कहता है 3,33,000 तो मैं अप्रैल में भी कराएंगे तो भी मिलेगा, ठीक बात है आपकी बात ठीक है, बोनस कहां से ज्यादा होगा, बोनस 31 मार्च को जो नया बोनस डिक्लेयर हो रहा है वो आपको जुड़ के मिलेगा, यदि आप 1 अप्रैल में कराएंगे तो आपको अगले साल का बोनस डिक्लेयर होकर मिलेगा। आपकी इस साल की जो मैच्योरिटी आप चेक करेंगे, ये जो लीडर हमने ओपन कर रखा है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यहाँ पर यदि आप इस साल का बोनस चेक करेंगे, इस साल का बोनस का रेट आपका कुछ और आएगा, जब बोनस 31 मार्च को डिक्लेयर हो जाएगा, जो कि बोनस आता है सितंबर तक डिक्लेयर हो जाता है, 31 मार्च 2021 का जो बोनस डिक्लेयर होगा जाके तकरीबन 24-25 अगस्त के आसपास, 27 अगस्त के आसपास डिक्लेयर हो जाता है, लेकिन वो डेट क्या रहती है उसके अंदर 31 मार्च 2021 वो नए बोनस रेट आएंगे, उसके बाद आपकी जो मेच्योरिटी यहाँ पर आप लीडर में, ऑल इन वन में, स्मार्ट में, डाटा कॉम में, ब्लिस में, परफेक्ट में, जहां भी मेच्योरिटी आप कैलकुलेट करेंगे, मेच्योरिटी के रेट आज के जो रेट है और उस समय के जो रेट है वो दोनों अलग अलग आएंगे। नहीं सर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हम उसे अप्रैल में ये प्लान देते हैं जी, तो क्या उसकी 3,33,000 में छुट्टी नहीं आएगी, आप अप्रैल के हिसाब से कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, आप अप्रैल के हिसाब से कर लीजिए, वो तो खैर सर ठीक है,
लेकिन अब हम उसे मार्च में देते हैं तो हाँ। उसे 3.33 से प्लस मिलना चाहिए बोनस। मार्च में यदि हम दे रहे हैं 3.33 आज का रेट है, इसके अंदर जो हम बोनस बता रहे हैं, यदि आप मान लीजिए आपकी स्क्रीन पर जैसे 25 साल का टर्म नजर आ रहा है, तो 25 साल का इसके अंदर जो बोनस आपको मिलेगा, 25 साल में हर साल जो बोनस डिक्लेयर होता रहेगा वो मिलेगा। अभी इसके अंदर क्या दिखाया गया है कि LIC का बोनस यदि सेम टू सेम रहता है, आज हम आपको बोनस रेट है 31 मार्च 2021 वाला नहीं दिखा रहे, आज हम आपको जो बोनस रेट दिखा रहे हैं 31 मार्च 2020 वाला दिखा रहे हैं। 31 मार्च 2020 को जो LIC का जो प्रॉफिट डिक्लेयर हुआ था, 54,000 करोड़ का प्रॉफिट LIC का डिक्लेयर हुआ था, जिसमें से 5% गवर्नमेंट का शेयर हमने उनको दे दिया था, गवर्नमेंट को 2700 करोड़ रुपए, बाकी का बोनस विद प्रॉफिट वाली पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी वालों पॉलिसी होल्डर्स को दे दिया गया प्रोपोर्शनेटली, जितना जितना पैसा उन्होंने लगाया था उसके हिसाब से। यहाँ जो रिटर्न आ रही है नजर बताइए क्या बोनस हर साल चेंज होगा? बोनस हर साल चेंज होता है, LIC का बोनस सेम नहीं रहता है, LIC का बोनस हर साल डिफरेंट होता है। आपके पास LIC का बोनस हर साल डिफरेंट होता है। सर मैं कुछ कहना चाहूंगा, हरे राम जी अपनी बात ठीक है, हरे राम जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कहूँ मैं? जी जी कहो। देखिए हरे राम जी, जो सर ने बताया ना कि जो इस साल का जो है बोनस जुड़ेगा, मतलब ठीक है, आपके मोबाइल पे जो रजिस्ट्रेशन बन रहा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया है, मतलब ठीक है, जो मिलना है उसी से मिलेगा। ये तो हमें कस्टमर के पास जाने का एक बहाना है, और कस्टमर इस कारण से आपसे पॉलिसी। वेरी गुड वेरी गुड, मैं यही कह रहा हूँ ना, कस्टमर के पास जाने का, ठीक है ना। और एक्चुअल में ऐसा होता है कि जब वो इस महीने में पॉलिसी कराएगा तो पूरे साल का उसको बोनस लगेगा ही लगेगा। ओके ओके ठीक है, बढ़िया अच्छी बात है। सो यहाँ पर आपका हरिराम जी का डाउट यहाँ पर क्लियर हो चुका है, ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। क्लब मेंबरशिप की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्लब मेंबरशिप। हाँ जी बताइए, और कुछ आप बोलना चाहते हैं? क्लब मेंबरशिप यहाँ पर अवेलेबल आपके पास है, क्लब मेंबरशिप के आखिरी के 7 दिन बचे हैं, क्लोजिंग के अंदर क्लब मेंबरशिप का भी फायदा ले लीजिए। मैंने यूट्यूब में सर्च किया है क्लब मेंबरशिप के क्या क्या फायदे हैं, कार आपको मिल रहा है इसके अंदर, घर मिल रहा है, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। आप एक बार यदि यूट्यूब में सर्च करेंगे वहां पे ढेर सारे लोगों ने समझा रखा है कैसे कैसे क्लब मेंबरशिप में LIC के अंदर फायदे होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं। मैं इसको डिटेल में नहीं खोल रहा हूं क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, तो इस वजह से आप इसको वहां पर डिटेल में अपने आप इसको देख सकते हैं। LIC DM क्लब मेंबरशिप में बेनिफिट क्या होती हैं, कितनी पॉलिसी पर मिलता है, घर कितने का मिलता है, इनमें से कुछ एक पुराने वीडियो भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, पुराने के हिसाब से हो सकता है उसमें किसी भी पुरानी इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, लेकिन आजकल लेटेस्ट जो क्लब मेंबरशिप के बेनिफिट्स हैं उसके हिसाब से आपको मिलेगा। सो क्लब मेंबरशिप के लिए आप क्वालिफाई कर लीजिए। बोनस जो LIC का डिक्लेयर होगा, जब भी डिक्लेयर होगा, आपके ये जो स्मार्ट जो आपका जो ऐप है, जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो लीडर है, ऑल इन वन है, परफेक्ट है, ब्लिस है, डाटा कॉम्प है, इन सबके अंदर लग के आ जाएगा। सो उसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से हम कस्टमर को एज इट इज बता सकते हैं। तो आखिरी के अपना क्लब मेंबरशिप का बैलेंस चेक कर लीजिए, आज भी जैसे रविराज किशोर भी जैसे आज ऑफिस आ रहे हैं, या तो जो भी साथी आ जाएंगे, हमारे पास जो डीओ रूम के अंदर जो बैक साइड में जो कंप्यूटर रखा है उसके अंदर पुरानी फिगर आ रही है, मुझे लगता है पिछले 15-18-20 दिन से वहां पर अपडेशन हो नहीं रहा है, तो लेटेस्ट जो है ईफीप में से अपना उसका फिगर चेक करिएगा। ईफीप का मतलब है कि ब्रांच मैनेजर या एवीएम के पास अपना क्लब मेंबरशिप का एजेंसी कोड बता के लेटेस्ट वहां से कैलकुलेशन ले लीजिएगा यदि आप लेना चाहें। क्लब मेंबरशिप के अंदर उसमें 4 चीजें जरूरी होती हैं, एक तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइफ, एक तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ब्रांच मैनेजर क्लब है तो 15 लाइफ उसके लिए कम से कम आपको चाहिए, तो 15 प्लस 150 यानी कि टोटल इनफोर्स आपकी 150 होनी चाहिए। अब 150 आपकी हो चुकी हैं तो फिर तो 15 में गुजारा चल जाएगा, आपका ब्रांच मैनेजर क्लब के लिए वाला साल क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन आपकी 150 टोटल नहीं है तो फिर आपको करंट ईयर में कम से कम 50 लाइफ की जरूरत है, तो थोड़ा सा नंबर ऑफ लाइफ का ध्यान रखेंगे तो आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी फर्स्ट ईयर कमीशन, रिन्यूअल कमीशन, ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो ज्यादातर लोगों का वैसे ही क्वालिफाई हो जाता है, नंबर ऑफ लाइफ का थोड़ा सा ध्यान हमको रखना जरूरी है, आप उसका ध्यान रखेंगे तो आपका आसानी से क्लब मेंबरशिप क्वालिफाई हो सकता है।
ढेर सारे ऐसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो कि क्लब मेंबरशिप के द्वारा आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। आप में से कौन कौन साथी हैं जो कि क्लब मेंबर बनना चाहते हैं? क्लब मेंबर नहीं बनना है, क्या बात है? हेलो सर, बनना तो सभी चाहेंगे, बनना चाहेंगे, कोई भी ये नहीं बनूंगा। हाँ तो तैयारी करेंगे बनने के, डेफिनेटली थोड़ा सा उसके लिए तैयारी करने की जरूरत है। हम लोग तैयारी कर लेते हैं, जिस काम के लिए तैयारी कर लेते हैं डेफिनेटली वाला काम हो जाता है। थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की जरूरत है, नंबर ऑफ लाइफ बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है, हमारा काम बन जाएगा। नए नए प्रोस्पेक्ट को मिलने के लिए आप क्या तरीका कर रहे हैं? रोजाना मिलने के लिए, कल परसों, हमें नए लोगों से ही हमारा सेल होने वाला है। आपके जानकार लोगों को मिले, अनजान को मिले, उससे कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता है। आप उनको पहले से जानते हैं तो और भी अच्छी बात है, आपका सेल होना आसान हो जाता है। तो आप नए लोगों को मिलने के लिए अभी क्या कर रहे हैं? कल आप जो भी नए लोगों को मिले, किस तरीके से मिले? आप पुरानों को भी मिल सकते हैं, पुराने लोगों को आप नई पॉलिसी बेचने के लिए मिल सकते हैं, डेफिनेटली वो भी एक बढ़िया तरीका है। लेकिन ऐसा ना हो कि एक ही आदमी को बार 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 इतना फॉलोअप कर डाला कि वो ले नहीं रहे हैं, आप बार बार उनके पास जा रहे हो, वो इरिटेट हो रहे हैं। तो इरिटेशन भी नहीं होनी चाहिए, उनको हमारी बातें अच्छी भी लगनी चाहिए। सो नए लोगों को मिलने के लिए आप और क्या तरीका कर रहे हैं? जी आप कुछ कहना चाहते हैं गुड्डू जी? आपका माइक कौन है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। जी सर बिल्कुल सर जी। सर ये होता है एक ही कस्टमर को बार बार जो है कॉल करने से जो है कस्टमर जो है थोड़ा परेशान हो जाता है। हाँ तो इसलिए मत करिए ना आप, यदि देखिए यदि अच्छी बात नहीं बोल रहे हैं तो पूरी बात क्या, नंबर ऑफ पीपल बढ़ाने चाहिए हमें, रोज नए नए लोगों से मिलके बात करना चाहिए और उनको करते रहना चाहिए। और कुछ नए नए लोगों से हम जब हम बात करेंगे तो काम निकलता है सर, जब हम लोगों के पास जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जब उनसे हम मीटिंग करते हैं तो काम निकलता है, ऐसा नहीं कि नहीं निकलता। बस एक तरीके से अगर हमारा काम नहीं निकल रहा है तो हमें तरीका बदलना चाहिए, हमेशा एक ही तरीके से काम नहीं करना चाहिए। अगर हमारा सेल नहीं हो रहा है तो हमें कुछ ना कुछ नए आइडियाज, मतलब आज मैं भी जा रहा हूँ सर, काफी दिनों से मैं वैसे कर रहा था, आज मैं कुछ लीफलेट कुछ ब्रोशर वगैरह कुछ लेके जा रहा हूँ सर, कुछ बांटूंगा मतलब, है ना, देखते हैं कुछ अगर कुछ ना कुछ सर्वे करूंगा, कुछ ना कुछ नया देखते हैं, तो कुछ ना कुछ निकलना चाहिए सब, देखते हैं मार्केट में जाने के। अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया, ऑल द बेस्ट, अच्छी बात है, भगवान करे आपका सेल हो, जरूर बढ़िया सेल हो, अच्छी सेल हो और आपको भी अच्छा लगे। आपको कभी किसी ऐसे किसी कस्टमर ने बोला कि LIC तो प्राइवेट हो रही है, ऐसा किसी ने बोला? हाँ कहते हैं सर, कहते हैं। आप क्या जवाब देते हो? क्या जवाब उनको हैं कि भाई LIC जो है कभी प्राइवेट नहीं हो सकती। LIC जैसे मार्केट में जैसे शेयर और भी कंपनी के शेयर निकाले, जैसे आप लोग खरीदते हैं या हम लोग जो खरीदते हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, वैसे ही अब LIC का भी शेयर मार्केट में आएगा तो आप लोग खरीद सकते हैं और उससे ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, मतलब आप। ये वाला मैंने आपको भेजा था व्हाट्सएप के ग्रुप में, आप में से किसने किसने देखा? LIC और PPF वाला सर? नहीं, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है LIC का निजीकरण नहीं हो रहा है, सभी पॉलिसियों की सॉवरेन गारंटी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी बरकरार बनी रहेगी। 7 फरवरी को मुंबई में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में LIC के चेयरमैन के भाषण के कुछ अंश आप में से किसी ने देखा? ये जो मैंने व्हाट्सएप पर आपको भेजा था, तो क्या? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। बढ़िया, यस सर, मैंने देखा। बढ़िया, क्या समझ में आया इसको? एक क्लाइंट कह रहा था, चलो मान लेते हैं आपकी बात की नहीं हो रहा है, बोले सरकार का कोई भरोसा नहीं, कल की डेट में कर दे। मैं बोला सर आपकी बात बिल्कुल सही है और आगे फ्यूचर का तो हमारा भी नहीं पता, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, हमारा अगले सेकंड का भरोसा नहीं है। यस सर। बोले ये क्या बात कर रहे हो। मतलब रियलिटी सुनने को तैयार नहीं था। ठीक है, बढ़िया। ये वाला एडवर्टोरियल, ये एडवर्टाइजमेंट, ये LIC ने निकाला और एडवर्टोरियल अखबारों में निकाले जाते हैं, ये इसी वजह से निकाला गया है कि आप इस वाले ऑब्जेक्शन को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें,
मैंने भी आपको इसी वजह से भेजा कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाए। इसमें LIC के बारे में बहुत कुछ लिखा है, काम की बातें, जैसे कि यहाँ पर लिखा है हमारे 29 करोड़ से भी अधिक ग्राहक, 12 लाख से भी अधिक एजेंट, यहाँ पर इसमें अलग अलग बातें लिखी हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपए का व्यवसाय कर बीमा के इतिहास में उदाहरण स्थापित करते हुए बीमा उद्योग में उल्लेखनीय नेतृत्व की अधिकारी है। यहाँ पर लिखा है 17% पॉलिसी संख्या पर 29% की वृद्धि करने में LIC सफल रही है। यहाँ पर लिखा है 45,000 करोड़ रुपए ये हमारा पहले वर्ष का प्रीमियम, पॉलिसी संख्या 1,95,00,000 पॉलिसियां लास्ट ईयर हमने सेल किया। यहाँ पे LIC के बारे में बहुत सारी काम की बातें लिखी हैं, जैसे कि आपको, और इसमें क्लियरली लिखा है कि कोई निजीकरण नहीं हो रहा है, प्राइवेट नहीं बना रहे हैं। LIC का साइज यदि हम रिलायंस इंडस्ट्री से कंपेयर करें 3 गुना से भी ज्यादा है। LIC इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, गवर्नमेंट की गारंटी इसके अंदर बरकरार रहेगी, आपको कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, सब बढ़िया है, इधर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। आप कुछ बोलना चाह रहे थे क्या मनीष जी? यस सर, जैसे कल आपके वाले मैंने आइडिया अपनाया तो कि भाई स्मार्ट और स्मार्ट तरीके से कि ऑफिस में बैठ के पॉलिसी समझाना, तो करता रहा एक आदमी तैयार हो गया, जैसे 250 रुपए डेली का बचा, 50 लाख मिलेगा। कितने साल बचाना है? 16 साल बचाना है, ठीक है जी, ऐसा है तो 2-3 करवा लेते हैं। कल का टाइम दिया है कि कल आ जाओ कर दो। एक से टोकन अमाउंट आ गया था 500 रुपए शाम के टाइम, 200 रुपए पर डे का उसको, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये है सर कि ये वाला भी तरीका बेस्ट है, लेकिन इसको कंटिन्यू करना पड़ता है, हम छोड़ देते हैं बीच में। कंटिन्यूएशन के बिना तो कुछ गुजारा चलता ही नहीं है। सांस लेना कंटिन्यू करना पड़ता है, ब्रश करना कंटिन्यू करना पड़ता है, नहाना कंटिन्यू करना पड़ता है, खाना कंटिन्यू करना पड़ता है, बहुत सारे काम है, मॉर्निंग वॉक कंटिन्यू करनी पड़ती है, योगा कंटिन्यू करना पड़ता है, ऑफिस जाना कंटिन्यू करना पड़ता है। अब जहाँ पे कंटिन्यूएशन नहीं करते वो काम के अंदर तकलीफ खड़ी हो जाती है। ये होता है सर कि 2 दिन रिजल्ट नहीं आया फिर छोड़ देते हैं, लेकिन कंटिन्यू करते हैं तो आता रहेगा रिजल्ट भी। ऐसे नहीं चलेगा ना, टॉप एजेंट में और बॉटम एजेंट के अंदर सिर्फ इतना सा फर्क है। टॉप एजेंट का सिस्टम क्या होता है, वो कहते हैं रिजल्ट आए ना आए मेरा काम है प्रेजेंटेशन देते रहना। वो कभी भी ये नहीं बोलते मेरा काम है पॉलिसी बेचना, वो क्या बोलते हैं मेरा काम है प्रेजेंटेशन देना, मेरा काम है क्लोजिंग के लिए कोशिश करना, मेरा काम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना। अब रिजल्ट नहीं, अब यदि माली बोले भाई फसल अच्छी नहीं हुई तो ये माली की गलती थोड़ी ना भाई, माली ने पूरी कोशिश करी, माली ने जमीन को पूरा का पूरा बोलिए। जैसे केम शर्मा जी से काम का सर नहीं हो रहा तो सबसे पहले ही पूछा आज कितनी मीटिंग की, कल कितनी थी, परसों कितनी थी, क्या क्या करी थी, कि जैसे उनसे पूछा भी बिजनेस नहीं हो रहा तो यही सबसे पहला सवाल पूछा आज कितनी मीटिंग की, कल कितनी की थी, परसों कितनी की थी, बस सिंपल जी। उसके बाद अपने आप सारा निचोड़ आ जाएगा क्यों नहीं हुआ। मिलेंगे तो सेल होएगा, नहीं मिलेंगे तो सेल नहीं होएगा। इसीलिए तो नंबर ऑफ मीटिंग्स बढ़ाने की जरूरत है, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ आपको लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन करते रहो, विजिटिंग कार्ड जहां भी जाओ विजिटिंग कार्ड हर एक आदमी को देते रहो। विजिटिंग कार्ड से कम दुनिया को पता तो लगेगा कि आप LIC एजेंट हो, विजिटिंग कार्ड से कम दुनिया को पता तो लगेगा कि आप लीफलेट से, विजिटिंग कार्ड से कम दुनिया को पता तो लगेगा, किसी को जरूरत होगी तो वो ले सकता है ना, आप उसको बोल भी सकते हो, बात करने का एक बहाना भी होता है। आपने किसी को विजिटिंग कार्ड दिया, सर नमस्कार सर देखिए LIC के अंदर, आपको प्लान बताने का मौका मिल रहा है। आप डायरेक्टली एक सेंटेंस, इसको बोलते हैं एलिवेटर पिच। एक मूवी आई थी उस मूवी का नाम है बैंड बाजा बारात, आप में से किसने किसने देखी थी, या तो पूरी मूवी नहीं देखी थी तो मूवी का एक वो एक पर्टिकुलर उसका एक सीन है। अपॉइंटमेंट अनजान आदमी, अनजान कस्टमर से, अनजान प्रोस्पेक्ट से अपॉइंटमेंट कैसे लें, उस मूवी के अंदर एक बहुत ही प्यारा सा सीन है। इसके अंदर रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा की मूवी है, बहुत ही शानदार मूवी है। आप में से ये वाला सीन मैं लेकर गया था, आप में से मुझे लगता है शायद कुछ साथी उस वाले प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल थे। मेट्रो सेल्स ट्रेनिंग सेंटर आसफ अली रोड पर मेट्रो सेल्स ट्रेनिंग सेंटर है, तो हमने सेशन कंडक्ट किया था 126, सिर्फ 126 ब्रांच के एजेंट्स का। वहां पर हमने प्रोजेक्टर के ऊपर ये वाली मूवी का ये वाला सीन दिखाया था। मेरे को याद है शायद संजीव कुमार जी तो थे उस वाले प्रोग्राम में, शायद सबसे आगे बैठे हुए थे, सेंटर वाली रो कर सेकंड सीट पर बैठे हुए थे, शायद मुझे ध्यान है कि शायद संजीव तो थे। ये वाला अपॉइंटमेंट अनजान आदमी से कैसे लें,
अब मेरे पास YouTube पर ये वाला वीडियो अवेलेबल नहीं है, मैंने देखा था, मुझे मिला नहीं, लेकिन यदि आपको याद आ रहा है तो अनजान आदमी से कैसे लें, रणवीर सिंह उसका मैरिज का मैरिज ब्यूरो होता है और मैरिज ऑर्गेनाइजेशन उसका उसकी कंपनी होती है कि मैरिज ऑर्गेनाइज करना। बहुत ही अमीर आदमी को कई 100 करोड़ की कंपनी के मालिक के घर के अंदर शादी हो रही है, वहां पर उसको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अनजान आदमी से अपॉइंटमेंट कैसे लें, बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखा रखा है। इसको बोलते हैं एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच का मतलब है एक सेंटेंस में पूरा प्रेजेंटेशन आपका खत्म हो जाना चाहिए। इसका मतलब है एक ही सेंटेंस में पूरा कस्टमर को समझ में आना चाहिए कि भाई ये जो एजेंट मेरे पास आए हैं ये क्या बोलना चाहते हैं, और उसका पहला सेंटेंस इतना शानदार लगना चाहिए कि वो दूसरा सेंटेंस सुनने को कस्टमर को लगे, उसकी इच्छा करे, उसके दिल में उसका मन करे कि हाँ मैं सेकंड सेंटेंस को सुनूं, उसका मन करे कि तीसरा सेंटेंस बोले, उसका मन करे कि चौथा सेंटेंस बोले, उसका मन ये ना करे कि यार इसको भगाओ, उसका मन ये ना करे कि यार ये तो मेरे को इरिटेट कर रहा है, उसका मन ये ना करे कि ये मेरे को परेशान कर रहा है। हम जिसके पास भी जाएं उनको सर बोलते हैं कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए देने आया हूँ, अपने आप ही कहेगा, अपने आप ही इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अरे नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 1 करोड़ रुपए के अंदर हर एक का इंटरेस्ट नहीं होता। किसी का इंटरेस्ट बीवी में होता है, किसी का इंटरेस्ट बच्चों में होता है, किसी का इंटरेस्ट किसी और चीज में होता है। सबसे पहले उसका इंटरेस्ट को चेक करने के लिए, ठीक है, ये 1 करोड़ रुपए एक कॉमन इंटरेस्ट की बात है, ज्यादातर लोग हैं इस बात से इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे। बोलो, डिपेंड करता है पैसे का इंटरेस्ट सब में है, डिपेंड करता है कोई उसके लिए, उसको किसी और चीज के लिए चाहता है, कोई किसी और चीज के लिए। आप ऐसा सोचना मत, आप ऐसा मत सोचिए कि पैसे का इंटरेस्ट सब में है, क्योंकि पैसे का इंटरेस्ट सब में नहीं है। सभी लोग पैसे के प्रति मोह सबको नहीं होता है, बहुत सारे लोग हैं, आप पैसे की बात करोगे पैसे की बात से कट छट जाते हैं। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि पैसे की बात ही डेफिनेटली उसको इंटरेस्टिंग लगने वाली है, पैसे की बात से ही उसको बढ़िया लगने वाला है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ऊपर फोकस थोड़ी करेंगे हम, नहीं ऐसा नहीं है। आप पर्सनलाइज्ड थोड़ा सा कोशिश करोगे, आप फोकस करोगे या नहीं करोगे, लेकिन दुनिया आपके फोकस नहीं करने से बदलने वाली नहीं है। सर ऐसे ही 80-90% ऐसे ही है सर। कैसे? 5-10% होते हैं जो जिनको इंटरेस्ट नहीं होता पैसे, बाकी चीजें उनके लिए होती है। आपकी बात ठीक है, किसी आदमी को चैरिटी में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी आदमी को लीविंग या लीगेसी में इंटरेस्ट हो सकता है। मैं अपने पीछे से जायदाद छोड़ के जाऊं 5 करोड़ की, चैरिटी किसी काम की है ना कुछ और किसी काम का जब तक पैसा नहीं। ऐसा आपकी पर्सनल व्यू पॉइंट है, लेकिन समाज में ऐसा नहीं है। बड़े सारे लोगों को चैरिटी में, आप उसको बोलोगे सर आप चैरिटी करते हैं, हाँ जी करते हैं, कहाँ करते हैं, वो जी मैं मंदिर के अंदर देता हूँ भाई साहब, हर महीने 1000-2000 रुपए दे देता हूँ। तो भाई साहब जब तक आप वो 1000-2000 रुपए आप दे रहे हो, आपके बाद में भी ये पैसा मंदिर में आपके नाम से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाँ जी भाई साहब जाना चाहिए। भाई साहब वही बता रहा हूँ, बिना पैसे के चैरिटी सर, चैरिटी के नाम पे लेते हैं सर, पैसा चाहिए। आपकी बात ठीक है, लेकिन इसको आपको चैरिटी के हिसाब से बताना पड़ेगा। एडवांस कोर्स में आईओवी के अंदर एडवांस कोर्स होता है, उसके अंदर चैरिटी वाला प्रोजेक्ट आता है, 24 अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट उसके अंदर बताए जाते हैं। बोलिए। वो तो हमारे पास बना हुआ कि भाई पहले मैंने लिस्ट बना रखी सर, इसमें से आप किसे पहले नंबर पर रखना चाहेंगे, उसमें सारी चीज चैरिटी भी है सर उसमें। हाँ ठीक है ना, बढ़िया है। अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग प्रायोरिटी होती है, वो आदमी उसमें से चूज कर लेता है तो उसी पे फोकस रखते हैं कि ये चीज इसने चूज की है इसी पे फोकस। हाँ ठीक है ना, हर एक का आदमी की प्रायोरिटी अलग अलग है, और जो आदमी की उसकी प्रायोरिटी है उसके हिसाब से आप उसको सेलिंग करोगे तो उसको पसंद आएगा। उसके दिल के करीब कुछ और चीज है, आप कुछ और बात कर रहे हो तो उसको समझ में नहीं आएगा, आप उसको वही बात समझ में आने वाली है जो उसके दिल के करीब है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना उसकी पसंद नापसंद का, आपके जो प्रोस्पेक्ट है आपको उनकी पसंद नापसंद का समझो। आप किसी के पास पॉलिसी क्या बताइए, साधन साधन एक है, पर्पज अलग अलग हो सकते हैं, मीन्स एक ही रहेगा। ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। समझो आप किसी स्मोकर के पास पॉलिसी बेचने गए हो, आपके सामने वो मुंह में लगा के धड़ाधड़ छल्ले बना बना के सिगरेट पिए जा रहा है, आप उसको जाके सिगरेट पीने के नुकसानों के बारे में बताओगे, आपको बाजू में बिठाएगा नहीं वो। आप उसको जाके बोलोगे सर सिगरेट प्लानिंग पॉलिसी निकाली है हमने, सिगरेट प्लान निकाला है, वो बोलेगा भाई साहब ये तो जरूर बता दो। तो उसके लिए क्या है, हम सिगरेट पीने के लिए पैसा देंगे आपको जिंदगी भर। सिगरेट प्लान, सिगरेट प्लान का मतलब देखो, अभी आप सिगरेट खरीदते हो, कितने रुपए की सिगरेट खरीदते हो महीने की, रोज के कितनी डब्बियां पीते हो,
तो भाई साहब मेरी महीने की 4-5 हज़ार रुपए की डब्बी लग जाती है, या तो 3 हज़ार की लग जाती है, जितने की भी लगती है। सर देखो, जब तक जवान हो, पैसा कमा रहे हो, सिगरेट पी पा रहे हो, सर वो 60 की उम्र के अंदर जब बुढ़ापा आएगा तो उस समय सिगरेट कैसे पियोगे? तो हमने सिगरेट प्लान निकाला है, जितने भी स्मोकर हैं उनके लिए हमने सिगरेट प्लान निकाला है। अच्छा, वो क्या होता है सर? उसके अंदर क्या होता है, जब आपकी 60 साल की उम्र होती है ना, तो हम आपको सिगरेट पीने के लिए पैसा देते हैं। हर महीने आपका जितना मर्जी सिगरेट पी, वो सारा पैसा हम आपको LIC की तरफ से देंगे। अच्छा, वो क्या होता है? वो सर उसके अंदर क्या होता है, आपको कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, 100 रुपये पर डे का सेविंग करना है। आप हमको 100 रुपये पर डे का सेविंग करोगे तो हम सिगरेट पॉलिसी के अंदर आपको क्या करेंगे, आपको हम पैसा देंगे, साल का 36 हज़ार रुपये हम आपको हर साल देंगे। 36 हज़ार रुपये की सिगरेट आप मजे से पियो, 60 साल की उम्र के बाद देंगे, हर साल हम आपको देंगे, जिंदगी भर तक आपको सिगरेट अमाउंट देते रहेंगे। तो सिगरेट अमाउंट देंगे, उसके बाद जिंदगी भर देंगे, और आपके जाने के बाद पीछे से घर वालों को भी हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे। ये सिगरेट प्लान है सर। वो आदमी आपकी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा इस तरीके से? सर नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है आपके? नरेंद्र जी बढ़िया सर, ठीक है सर, बढ़िया। बताइए सर। सर एक्चुअली अभी सर एक सब सा दिमाग में आया सर, सुन के मनीष जी की बात को लेके। सर हमारा एक मिनट बचा है, आखिरी का एक मिनट यार लाइव। सर बस सर छोड़ने बात बोलूंगा सर। भी सर हम लोग सर लाइव एडवाइजर है सर, हम लोग लाइव एडवाइजर है ना कि सर उसके कोई पर्सनल, हम पैसे के एडवाइजर नहीं है सर, हम लाइव एडवाइजर है। उसके हम जीवन की सलाह, जीवन के बारे में अच्छी अच्छी बातें सर सलाह देने के लिए हम लोग बने हुए। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। इसकी बात करेंगे जीवन के लिए, बात करेंगे तो कहना कहीं वो हमारा बीमा भी हमारा भी लाइव एडवाइजर का ही है। ठीक बात जी, जी जमाना भी अब लाइव एडवाइजर का ही है, आगे फ्यूचर होगा, जो फ्यूचर है वो लाइव एडवाइजर का ही है। बढ़िया, चलो अच्छी बात है, आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा, आप सभी से मुलाकात हो गई, दैट्स वेरी नाइस, सब लोगों का एक दूसरे से मुलाकात हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए। कल सुबह भी जरूर आइए, कल सुबह 8:25 पर मुलाकात होगी। कल 25 मार्च का दिन है, बृहस्पतिवार है, कल सुबह 8:25 पर मिलेंगे। विश ऑल द बेस्ट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को विजिटिंग कार्ड अपना दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लीफलेट दीजिए, डिस्प्ले फाइल दिखाइए। कस्टमर के पास जब भी मिलने जाएं, उसके इंटरेस्ट का ध्यान रखिए कि उसको क्या चीज पसंद है। लोगों को समझाने की बजाय लोगों को समझने की कोशिश करिए, लोगों को समझ के और लोगों को सुनने की कोशिश करिए।